बिहार वासियों के लिए कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का दावा है कि पहले फेज में 6 से 7 लाख की संख्या में वैक्सीन बिहार आने वाली है और स्वास्थ्य विभाग को इसके भंडारण के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अश्विनी चौबे की माने तो कोरोना वैक्सीन के दवा का ट्रायल लगभग पूरा भी हो चुका है और जल्द ही पूरे भारत में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही बिहार के लिए भी सौगात है कि राज्य में पहले चरण के लिए 6 से 7 कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। इसके तहत डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य से जुड़े बाकी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े लोगों को टीका दिया जाएगा। वहीं मंत्री अश्विनी चौबे ने जानकारी दी कि दूसरे चरण के वैक्सीन की भी 1 करोड़ डोज बिहार को मिलेगी, जो प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध होंगे। हरेक व्यक्ति को दवा की 2 डोज दी जाएगी।